हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं फैमिली, दैट इज द लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी फैमिली हम स्टडी करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह की इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मीन्स जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिलिएसी फैमिली। तो जो लिलिएसी फैमिली है स्टूडेंट्स, वो उसके अंदर टोटल 11 जेनेरा प्रेजेंट है, और 11 जेनेरा है वो 545 स्पीसीज कंटेन करते हैं। ठीक है, तो टोटल 11 जेनेरा है जिसके अंदर आपके 545 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। जो आपके मोस्ट ऑफ स्पीसीज हैं वो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिलेंगी, और मोस्टली जो टेम्परेट रीजन है इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन के अंदर मोस्टली इसकी स्पीसीज ग्रो करती हैं जो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करेंगी। तो इसके बाद दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिलिएसी फैमिली, कहाँ मिलते हैं, कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ द लिलिएसी फैमिली, फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। जो भी प्लांट इसके अंदर इंक्लूड हैं, जो स्पीसीज इंक्लूड हैं, वो किस तरह से दिखते हैं, उनके अरेंजमेंट क्या है, फ्लावर किस तरह के आते हैं, किस तरह का फ्रूट फॉर्मेशन या सीड फॉर्मेशन होती है, डिस्पर्सल कैसे होगा। ठीक है, तो वो हम फीचर्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो जो लिलिएसी फैमिली है इसके अंदर जो मोस्टली स्पीसीज है दैट आर हर्बेशियस इन नेचर। ठीक है, हर्ब के फॉर्म में मिलती है, मच ब्रांच्ड, एंड जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट होंगे दैट आर अल्टरनेट विद ईच अदर। ठीक है, एक ये आपकी ब्रांच है, जैसे इस पे यहाँ पे एक लीफ आ रहा है, सेकंड लीफ यहाँ आ रहा है, थर्ड लीफ यहाँ आ रहा है, तो अल्टरनेट मैनर के अंदर अरेंजमेंट होती है लीव्स की। ठीक है, जो लीव्स हैं वो या तो अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे, या फिर जैसे अगर आप एस्फोडिलस के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, वॉरल में एक शीत की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से आपके नंबर ऑफ लीफ, जैसे ये आप कोई ब्रांच ले रहे हो तो इस पॉइंट से आपके नंबर ऑफ लीफ अराइज करते हैं, तो एक वॉरल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ दिख नहीं होगा, यहाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे एक ही पॉइंट से आपके नंबर ऑफ लीफ अराइज करेंगे तो एक वॉरल बनाएंगे, और जो वॉरल है वो लोअर साइड से ये सारे लीफ एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में होते हैं, तो शीट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो बेस है वो शीट फॉर्मेशन करता है, या फिर वॉरल में अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लावर है इसके अंदर दैट इज एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर, मीन्स एक्टिनोमोर्फिक का मतलब है नंबर ऑफ प्लेन से जो हाफ पोर्शन के अंदर डिवाइड हो सके, तो एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर लिलिएसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर दैट इज द बाइसेक्सुअल, मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ट्राइमेरिस पेरेंथ प्रेजेंट होता है, ट्राई मीन्स टोटल, जैसे पेरियंथ का मतलब होता है जहाँ पे आप कैलिक्स कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप यूनिट लेते हो टेपल्स। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला की जगह या सेपल और पेटल की जगह आप लेते हो टेपल्स, तो पेरियंथ इनके अंदर प्रेजेंट होता है और कलर्ड टेपल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टेपल्स आर 6 एंड दैट आर प्रेजेंट इन टू ग्रुप, 3-3 के आपके दो वॉरल, एक आउटर वॉरल और दूसरा इनर वॉरल प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्राइमेरस कंडीशन, कि 3 जो आपके टेपल्स हैं वो एक वॉरल में है, 3 आपके सेकंड वॉरल में है, तो ट्राइमेरस और पेरियंथ कंडीशन विद 6 पेटेलॉइड टेपल्स आर प्रेजेंटेड हेयर। ठीक है, देन अगर आप स्टैमंस की बात, यानी कि जो मेल पोर्शन है फ्लावर के अंदर उसकी बात करते हो, तो स्टेमन 6 नंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनका जो फिलामेंट होता है वो फ्री होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जो पेरियंथ है उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, पेरियंथ में टेपल्स के साथ में अटैच फॉर्म में मिलेंगे, और जो आपके जैसे
एक तो फिलामेंट पोर्शन होता है स्टैमन के अंदर जो फ्री बताया आपको, जो अपर पोर्शन फर्टाइल जो पोर्शन होता है दैट इज एंथर। तो एंथर इनके अंदर इंट्रोज कंडीशन में बाइथिकस टाइप, मोस्ट ऑफ बाइथिकस टाइप जो एंथर है वो लिलियसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप कार्पल की बात करते हो तो कार्पल आपके 3 नंबर में प्रेजेंट होंगे सिन कार्पस कंडीशन, यानी कि यूनाइटेड फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। जो 3 कार्पल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगी, ठीक है। ओवरी है वो सुपीरियर होगी, यानी कि जो ओवरी है वो आपकी अपर साइड में होंगी, और 3 वॉल या पेरियंथ और स्टेमन जो आप ले रहे हो वो ओवरी के बेस से उनका ओरिजिन होगा। तो ओवरी इनके अंदर सुपीरियर होती है, ठीक है। जो प्लेसेंटेशन है दैट इज एक्साइल फ्रूट दैट इज कैप्सुलर टाइप, रेयरली बेरी टाइप। किसी किसी स्पीसीज के अंदर आपको बेरी टाइप भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम स्पीसीज के अंदर, मोस्ट ऑफ केसेस कैप्सुलर टाइप फ्रूट प्रेजेंट होता है। जो सीड है उसके अंदर आपकी आउटर एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है एंड दैट कवर द एंडोडर्मिस एंड सॉरी दैट कवर द एंड यहाँ पे सॉरी एंडोस्पर्म। जो एपिडर्मल लेयर होगी दैट कवर द एंडोस्पर्म एंड द वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। जो पोलिनेशन है, ठीक है, फ्रूट के अंदर जो स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो फीमेल पोर्शन तक ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन है दैट इज थ्रू द इंसेक्ट बीज वास्प, ठीक है, इनके थ्रू आपका पोलिनेशन होता है। लेकिन जो सीड डिस्पर्सल है वो विंड के थ्रू होगा, ठीक है। देन जो लिलियसी फैमिली है उसके अंदर कौन कौन से जेनेरा इंक्लूड है, तो मोस्ट ऑफ केसेस जो लिलियम जेनेरा है, फर्टिलेरिया है, गेंगिया है, टुलिपा है, ये आपके जेनेरा हैं जो लिलियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जो प्लांट इनके अंदर लिलियसी फैमिली से रिलेट करते हैं, एस्फोडिलस है, लिली प्लांट है, फर्टिलेरिया है, ठीक है, ट्यूलिप है, तो ये आपकी लिलियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिलियसी फैमिली, तो जो लिलियसी फैमिली के प्लांट है मोस्ट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है मोस्टली। देन अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हो तो फ्लोरल फॉर्मूला जो आपके फीचर्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो, या फिर अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे आप फीचर्स फैमिली के फीचर्स को डिफाइन करते हो। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है, जैसे फीचर्स में हमने बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्रीवियस जो वीडियो है आप वो देखिएगा, उसमें आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के लिए सिंबल्स बताए थे। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हमारा जो सर्कल है उसके अंदर प्लस का साइन होता है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन सॉरी जो फ्लावर है वो आपका बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, यानी कि हर्माफेरोडाइट कंडीशन। तो यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन एक सिंगल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगी। पेरियंथ प्रेजेंट होगा जिसमें 6 स्टेपल है, और 6 स्टेपल आपके 2 वॉल में प्रेजेंट है, 3 आउटर वॉल में, 3 इनर वॉल में, सो 3+3 अरेंजमेंट होगी, ठीक है। दिस में भी फ्री और फ्यूज्ड फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो पॉलीसेपलस या पॉलीटेपलस या फिर गैमोटेपलस कंडीशन दोनों ही प्रेजेंट हो सकती है। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में आपके बताए टोटल 6 नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो पेरियंथ के साथ में अटैच है। स्टेमन्स जो है वो 6 नंबर में है, और पेरियंथ के, यानी कि पेरियंथ के साथ अटैच होने का मतलब है पेरियंथ में आपके 2 वॉल है, तो दोनों वॉल में आपके जो टेपल्स हैं उनके साथ अटैच है, ठीक है। तो 3+3 की अरेंजमेंट होगी इनके अंदर भी, और पेरियंथ से आपका एंड्रोशियम है वो अटैच फॉर्म में होगा, तो उसको आप अपर साइड में आर्क से डिनोट करते हो। देन गाइनोशियम जो होगा फीमेल पोर्शन, कार्पल्स, कार्पल्स बताया आपका 3 नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिन कार्पस कंडीशन है, तो ब्रैकेट फॉर्म में आ जाएगा, सुपीरियर ओवरी है तो नीचे की तरफ आपका डैश आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो डायग्राम में आपको
बताया था सिंबल्स जो हम यूज करते हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रैक्ट, ठीक है, कैलिक्स, देन कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. और इसके लिए हम जो सिमेट्री लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे हमें कैलिक्स है वो बनानी है, कहाँ पे कोरोला आपके अरेंज होंगी, तो उनके जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मदर एक्सिस. सबसे पहले जो हम लेते हैं दैट इज द मदर एक्सिस. तो जो मदर एक्सिस है उससे हम इस तरह से सिमेट्री लेते हैं, ठीक है, सिमेट्री लेंगे. और मदर एक्सिस के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में यानी कि जैसे जो मदर एक्सिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्लावर के अंदर, पोस्टीरियर एंड पे. तो एंटीरियर एंड पे आपकी फर्स्ट कैलिक्स, या फिर जैसे आप टेपल ले रहे हो तो टेपल, फर्स्ट जो टेपल होगी फर्स्ट वॉल की, आउटर वॉल की, वो आपकी मदर एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगी, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट टेपल. तो आउटर वॉल पे कितनी आपकी 3 है, तो फर्स्ट यहाँ पे होगी, 2 जो रिमेनिंग होगी वो जो ये स्पेस आपका बच गया इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होंगे. ईच टेपल्स हैविंग सेम साइज, ठीक है, जितनी भी टेपल्स होंगी उन सबका जो साइज है वो सेम होगा. तो आपको मेजर करके, कंपास की हेल्प से मेजर करके ये बनानी होती है, ठीक है. तो सेम साइज में प्रेजेंट होगी. तो आउटर साइड में आपने जो टेपल्स हैं वो ले ली, देन इनर साइड में जैसे ये आपका सिंबल जो है वो कैलिक्स के लिए है. जैसे अगर आप ले रहे हो एस्फोडिलस ले रहे हो या लिली जो प्लांट है वो ले रहे हो, तो उनके अंदर आपकी डिस्टिंग्विश होती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपका पेरियंथ प्रेजेंट होता है. तो आप फर्स्ट ले रहे हो फर्स्ट वॉल, देन इनर वॉल में आपके 3 टेपल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन वो आउटर वॉल के अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है, ठीक है. यानी कि जहां पे जैसे ये वाले है, इसके बाद इनर वॉल में आपकी ये टेपल आ गई, ठीक है, इसके ये दोनों इसके अल्टरनेट होंगी, ये वाली इन दोनों की अल्टरनेट होगी, ये वाली इन दोनों के अल्टरनेट. तो यानी कि जो 3 आपकी टेपल्स आउटर वॉल में है उनके बीच में जो स्पेस रह गया वहां इनर वॉल में आपकी टेपल्स अरेंज होंगी. देन जो आपका एंडोशियम है 6 नंबर में बताया और टेपल्स के साथ अरेंज होता है, तो आउटर वॉल से इनर वॉल से, ठीक है, एक ये आपका जो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ज्वाइंटेड फॉर्म में है तो ज्वाइन करने के लिए हम स्ट्रेट जो आपका इस तरह से स्ट्रेट आप बोल सकते हो लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के साथ में आपका इंट्रोज कंडीशन में जिसमें लोब्स इनर साइड में सेंटर की तरफ हो और जो अर्क है वो पेरिफेरी की तरफ हो, तो इंट्रोज कंडीशन में बाइथिकस यानी कि 4 लोब जहां प्रेजेंट है एंथर के अंदर, तो बाइथिकस इंट्रोज कंडीशन में आप बनाओगे एंडोशियम स्टेमन, ठीक है. ये सारे एक सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल होल इस तरह से एक सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे. सेंटर के अंदर आपकी ओवरी होगी जिसमें आपके जैसे ये 3 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं, दीज 3 चैम्बर्स रिप्रेजेंट द 3 कार्पल्स, ठीक है, और ये ज्वाइंटेड होते हैं, तो इनकी जो ये वॉल है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच फॉर्म में होंगे. और जो अगर आप जैसे इसको इनलार्ज करके देखते हो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा आपका यहां से इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में जो आपके कार्पल साउंड में इंटरनली लोब्स जो बनेंगे उसमें हैंगिंग पोजीशन में आपके जो ओव्यूल है वो अटैच होंगे, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होगी. सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम फॉर द लिलियेसी फैमिली. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिलियेसी फैमिली. आफ्टर दिस वी कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल ऑफ लिलियेसी फैमिली दैट इज एस्फोडिलस. जो एस्फोडिलस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.